लोकसभा के पहले राउंड की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को पहला फेज है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने उन दो सीटों पर अपनी तस्वीर साफ नहीं की है जो यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। हम बात कर रहे हैं रायबरेली और कैसरगंज की। माना जा रहा है कि इन दो सीटों पर बीजेपी के लिए पेंच फंसता जा रहा है। बीजेपी ने 73 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, सिर्फ रायबरेली और कैसरगंज में ऐलान होना बाकी है। दो सीट इसलिए क्योंकि यूपी की अन्य 5 सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इन हॉट सीटों पर देरी की क्या वजह है, ये सवाल सबसे अहम है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस ने भी अभी तक यहां से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इस लिहाज से बीजेपी शायद कांग्रेस के ऐलान का इंतजार कर रही हो। वो ये देखना चाह रही है कि कांग्रेस को उसी के गढ़ में टक्कर देने वाला कौन सा प्रत्याशी खड़ा करे, ताकि अमेठी की तरह इस बार रायबरेली सीट भी गांधी परिवार से हथिया लिया जाए। दूसरी सीट है यूपी की कैसरगंज, जहां इस बार बीजेपी की जीत खटाई में पड़ गई है। वो इसलिए क्योंकि कैसरगंज सीट हाई प्रोफाइल नेता ब्रजभूषण सिंह को लेकर पार्टी दुविधा में है। ब्रजभूषण शरण सिंह वैसे तो इस सीट से विधायक है, लेकिन पिछले 2 साल से वो यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में फंसे हुए हैं। कुछ पहलवानों के लगाए गए आरोपों में उन्होंने अपनी चमक खो दी है, जिसका असर पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर हो सकता है। इसलिए कैसरगंज में माहौल बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। सियासी पंडितों की माने तो रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी के पास कई नाम है, लेकिन अभी किसी भी नाम पर मोहर नहीं लगी है। वही कैसरगंज में वो ना तो खुद को ब्रजभूषण से दूर कर पा रही है और ना ही उन्हें चुनावी लड़ाई में अपने साथ ला पा रही है। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि ब्रजभूषण की पत्नी को बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। बहरहाल अब देखना यह है कि इन दोनों सीटों पर जो पेच बीजेपी के लिए फंसा है वो कब और कैसे दूर होता है।